अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे? बच्चों, अब आप लोगों ने ये एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स याद कैसे रखने? एक निमोनिक है आपके पास, बी पी कैप। फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन? यू विल मेमोराइज इट बाय अ निमोनिक, दैट इज बी पी कैप। अच्छा जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी आपके बुक में ऑथर ने डिटेल में डिस्कस किया आगे जाके? बी, सबसे पहले जी ब्लड फ्लो। अच्छा जी, ब्लड फ्लो इफेक्ट करेगा। ये मेरे पास एक ड्रग है, एक कंपार्टमेंट में पड़ी हुई है, उधर ब्लड फ्लो कितना आ रहा है, फर्स्ट फैक्टर ये हो गया जिसने इसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करना है। दूसरी बात पी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट इज पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपकी ड्रग पड़ी है, ये भी फैक्टर डिस्कस करेंगे। देन सी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, मेरी जो ड्रग है इस पर्टिकुलर रीजन में कितनी देर तक पड़ी है, ज़्यादा देर के लिए पड़ी हो सकता है, इसके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। ठीक है, ए इज रिप्रेजेंटिंग एरिया दैट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। पी इज रिप्रेजेंटिंग दी पी ग्लाइको प्रोटीन। अच्छा जी, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। हम लोगों का लास्ट फैक्टर वाज दी पी ग्लाइको प्रोटीन। जी प्रोटीन्स हैं, क्या करते हैं, पम्प्स हैं, ड्रग्स के इफ्लेक्स करते हैं, ड्रग को सेल के अंदर ही नहीं आने देते हैं। ठीक है, ये फैक्टर डिस्कस करेंगे। जब कैंसर पढ़ेंगे ना, एंटी कैंसर ड्रग्स, उसमें पी ग्लाइकोप्रोटीन का बड़ा रोल है कि ड्रग्स को सेल के अंदर ही नहीं एक्यूमुलेट होने देते, ड्रग्स को उठा उठा के बाहर फेंके जाते हैं। ठीक है।